हेलो खम्मा घणी, केम छो, हाउ आर यू? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस लेक्चर सीरीज में अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतकी के बारे में। ये इसका 25th लेक्चर है, 25वां लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी एक नॉन कंडक्टिंग या कंडक्टिंग शेल और एक कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में, ठीक है? क्योंकि उनकी पर जो चार्ज जो आवेश हो किस पर रहता है, सिर्फ सरफेस पर रहता है। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो एक अचालक आवेश गोले या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बात करने वाले हैं, यानी पूरा अंदर से भरा हुआ है और वो कैसे है नॉन कंडक्टिंग। जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कोई ऐसी बॉल है या कुछ ऐसा है जो कि पूरी तरीके से नॉन कंडक्टिंग है, अचालक है और पूरा अंदर से भरा हुआ है। जैसे ऊन का एक गोला मान लीजिए, ठीक है, वो अंदर से पूरा भरा हुआ है और क्या बोलते हैं उसकी जो वो है जो चार्ज है उसके हर उसके ऊपर है, सरफेस के पूरे पार्ट पे। यानी जब मैं इस बार स्फीयर बनाऊंगा, गोला बनाऊंगा, तो चार्ज जो है उसके हर पार्ट पे रहेगा, यानी अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ रहेगा इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके के स्फीयर यानी गोले की बात कर रहे हैं जो कि अचालक है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ चीज़ें की बात कर लेते हैं। पहला तो उसका रेडियस यानी इसकी त्रिज्या, वो अपन को आर दे रखी है। इस बार चार्ज डेंसिटी जो है हमको वो क्या दी जाएगी, रो। क्यों? क्योंकि चार्ज इसके सरफेस पे नहीं है, इस बार इसके पूरे वॉल्यूम यानी इसके आयतन पे है। और इसके लिए किसकी गोल होती है, क्यू अपॉन वी यानी वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर मेरे को जब भी क्यू की वैल्यू चाहिए होगी तो रो इंटू मैं वी करूँगा। अब वी क्या, वॉल्यूम किसका, जिस पे चार्ज है, किस सरफेस पे चार्ज है, इस आर रेडियस वाले स्फीयर यानी आर त्रिज्या वाले गोले पर। और ये गोले का वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब। यानी जब भी मुझे क्यू की नीड होगी तब मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, ठीक है? और त्रिज्या आर तो दे ही रखी है। तो जैसे मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बात करी थी, तीन पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं, एक आउटसाइड मतलब बाहर, एक सरफेस पे और एक हमारा अंदर, ठीक है? तो उसी के ऊपर प्रोसीड करेंगे। मैं वापस आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। पॉइंट बाहर का मतलब यहाँ पे होगा, सरफेस मतलब यहाँ पे होगा, और अंदर है तो अंदर होगा कहीं, ठीक है? इससे लास्ट टाइम अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो आ रही थी, तो इस बार नहीं आएगी क्योंकि इस बार अंदर कोई ना कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो फर्स्ट दो तो ईजी हैं, जब एक्स इज ग्रेटर देन आर हो। सो हमारे पास जो स्फीयर है उसको बना देते हैं। ये हमारे पास स्फीयर हो गया, पूरी तरीके से चार्ज्ड है, ठीक है ना? रेडियस इसकी आर है, पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं, इसकी सेंटर से डिस्टेंस एक्स है, और इसके ऊपर मैंने आपको बोला था एक गॉसियन सरफेस अपन ज्यूम करते हैं, तो इसको गॉसियन सरफेस को ज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना? और पॉइंट को पी मान लेते हैं। तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आप सबको पता है अपन कैसे निकालते हैं, पता है इसका एरिया वेक्टर जो है डीएस वेक्टर वहीं आना है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आएगी क्योंकि हर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलती है। मैं पहले बता चुका हूँ, यूँ 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 हर पॉस पॉस ऐसे यूँ निकलेगी, ठीक है? तो हर डायरेक्शन में इस तरीके से निकलेगी। तो ये एरिया वेक्टर की क्या हो गई, उसी की डायरेक्शन में हो गई। तो जब मैं ई की वैल्यू लिखने जाऊँगा तो वो ई वैक्टर सॉरी फ्लक्स की वैल्यू जब मैं लिखने जाऊँगा तो ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर के इक्वल हो जाएगी। यानी हमारे पास हो गया ई डी एस और ये कॉस ज़ीरो, जैसा पहले किया था वैसा ही है। और फ्लक्स एफ ई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ई और डी एस। इस बार मैंने आपको बोला था क्योंकि फ्लक्स किससे एसोसिएटेड निकालना है, इस सरफेस से, बाहर वाली सरफेस से। तो अपन एरिया भी जो है वो किसका लेंगे, बाहर वाली सरफेस का। ध्यान रखना है एरिया नहीं, एरिया लेना है वॉल्यूम नहीं, ठीक है? क्या लेना है अपन को यहाँ पे, तो एरिया लेना है। तो फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स हमेशा सरफेस से निकलता है वॉल्यूम से नहीं। सो यहाँ पर हमारे पास एरिया किसका आ जाएगा, इस गॉसियन सरफेस का, वो कितना है, 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है? और फ्लक्स वही अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ यानी गॉस के नियम के अनुसार, ठीक है, गॉस के लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अभी अपन बात करके आ चुके हैं, जहाँ यूज़ होगा अपन यही यूज़ करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? इसको यहाँ रख देते हैं, रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू e 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है? यहाँ तक आपको आई थिंक सो समझ आ गया होगा। अब आपको डायरेक्ट दिख रहा है तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दीजिए, ये तो 4 पाई को डिवाइड में लेकर आएंगे तो भी 4 पाई कैंसिल, ये 4 से आपका 4 कैंसिल, r से आपका r कैंसिल। मल्टीप्लाई में कोई सामने सामने की चीज़ें, डिवाइड में कोई सामने सामने की चीज़ होती है उसको कैंसिल कर देते। e की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आई, e की वैल्यू हमारे पास रो, और यहाँ पे आ रहा है आर क्यूब, डिवाइड का आ जाएगा 3 और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? और ये एक्स स्क्वायर डिवाइड में, तो हमारे पास e की वैल्यू आ गई।
और ई वेक्टर निकालेंगे तो रो आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, और किसकी डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए ये ई कैप, सॉरी एक्स कैप, ठीक है। यहाँ पे भी दिख रहा है आपको ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, तो ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, तो जब मैं कर्व ड्रॉ करूँगा ई के बीच में और एक्स के बीच में तो बनेगा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट्स क्वाइट ईजी जैसा हमने पहले करा था। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं जब एक्स इक्वल्स टू क्या हो आर, एंड इस बार पॉइंट किस पे आ गया, सरफेस पे। तो मैंने आपको बोला था सिंपल सी ट्रिक है, आपको एक्स की जगह क्या रखना है, आर ही तो रखना है, तो इस फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पे आर रख दीजिए, तो रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और एक्स की जगह आ जाएगा आर स्क्वायर। सॉल्व करने पर आएगा रो, नीचे लिख देते हैं, ई इक्वल्स टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जो पूरी की पूरी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि आर रेडियस जो है यानी त्रिज्या जो है इस गोले की चेंज होने नहीं वाली, स्फेयर के चेंज होने नहीं वाली, एप्सिलॉन नॉट तो होता ही कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी भी कांस्टेंट और 3 तो कांस्टेंट ही होता है। सो ये भी अपन ने ई निकाल लिया। अगेन अगर मैं इन दोनों के बीच में कर्व ड्रॉ करूँगा ई के बीच में और एक्स के बीच में, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स, ये कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की वैल्यू उसके इक्वल है, ठीक है। जो लास्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इसका वो थर्ड पार्ट है, ठीक है। स्टार्टिंग के दो पॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, जो थर्ड पार्ट है वो हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, देखते हैं क्यों। तो जो थर्ड पार्ट है ये रहा हमारा स्फीयर यानी गोला, अंदर से पूरा चार्ज्ड है, ठीक है, रेडियस भी पता है हमको इसकी आर है, लेकिन जो इस पर पॉइंट आने वाला है वो कहीं अंदर आने वाला है। जब आपको पॉइंट कहीं अंदर दे रखा हो तो उसके लिए जो अपन स्फीयर लेंगे वो कैसा होगा, छोटा ही तो होगा, यानी आपका पॉइंट कहीं यहाँ पे, इसकी से डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो जब मैं स्फीयर लूँगा इस बार जो सरफेस लूँगा मैं गॉसियन सरफेस, सॉरी स्फीयर नहीं है एक शेल है, सरफेस के बारे में बात करना इसलिए, तो इस तरीके से जब मैं लूँगा तो इस बार कुछ ना कुछ आवेश तो ये इनक्लोज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आवेश तो अपने अंदर समा के बैठा ही, लेकिन कितना समा के बैठा ये हमें नहीं पता। मतलब इस गोले के अंदर ये जो अपन ने शेल बनाया है इस गोले के अंदर कितना आवेश है ये मुझे नहीं पता। अगर मैं उस आवेश को क्यू डैश नाम दे दूँ, यानी इस पूरे के पूरे गोले में जितना आवेश है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, क्यू डैश, तो उसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है कि अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है। क्यों, इसका काम क्या है? जैसे यहाँ पे जब आप गॉस का लॉ लगाने जाओगे तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते, क्योंकि इस बार जिस गॉसियन सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, जिस गाउसियन सतह से संबंधित फ्लक्स का मान हमें निकालना है, वो एक्चुअली बाहर वाला नहीं है, वो पूरे के पूरे आवेश को अपने अंदर समाहित नहीं किया हुआ है, पूरे के पूरे चार्ज को अपने अंदर इंक्लोज नहीं किया हुआ है, वो सिर्फ इतने से चार्ज को अंदर इंक्लोज किया हुआ है। इसलिए जब आप यहाँ पे गॉसियन इसके अंदर जब आप गॉसियन सरफेस गॉस का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे क्यू की जगह क्या जाएगा, क्यू डैश। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू डैश, यानी हमें क्यू डैश का मान निकालना है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है, हम ऐसा मान के स्टार्टिंग में चल कर आए कि पूरे स्फीयर के लिए पूरे गोले के लिए चार्ज डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, यानी वो तो कभी चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। सो इससे इतनी बात तो समझ आती है कि जो चार्ज डेंसिटी है वो है कॉन्स्टेंट, तो इस अंदर छोटे वाले पार्ट में भी चार्ज डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी और बड़े वाले चार्ज में भी चार्ज डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी। तो छोटे वाले के अंदर रो की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, क्यू डैश अपॉन वी डैश, जो छोटा वाला है क्यू डैश अपॉन वी डैश, मतलब अंदर वाला इसका वॉल्यूम, तो अंदर वाला वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई एक्स का क्यूब, ठीक है ना। यानी मैंने अंदर छोटा वाला स्फीयर ले लिया, चार्ज डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी, और अगर मैं बाहर वाले के लिए चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करता तो जाती क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से समझ आता है कि इनका लेफ्ट हैंड साइड यानी इनका बायां पक्ष समान है, जब समान है तो दोनों का तो डिवाइड कर दो या तो सीधा सीधा कंपेयर कर दो, यानी इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से कंपेयर कर दो। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1/2 से LHS इनके बराबर, सॉरी RHS बराबर हो गए, यानी राइट हैंड साइड जो इक्वल हो गए, उस केस में हमारे पास Q डैश 4/3 पाई एक्स क्यूब इक्वल्स टू आ जाएगा Q 4/3 पाई आर क्यूब। Q डैश के लिए अपन को चाहिए, ठीक है, Q तो अपन को पता ही है वो कांस्टेंट है, वो इसके इक्वल है,
सो यहाँ पे अपन को इतना तो दिख रहा है कि 4π 4/3π से 4/3π कैंसिल। मैंने अभी आपको बताया था मल्टीप्लाई में या डिवाइड में दोनों तरफ इक्वल हो तो अपन काट सकते हैं। सो ऐसे क्यू डैश के लिए कितनी आ गया मेरे पास, क्यू इंटू एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू डैश। ठीक है, अब इसमें यहाँ तक तो सेम ही रहना, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं आना, लेकिन जब गॉस का लॉ लगाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा क्यू डैश, तो अपन वही कर रहे हैं। सो इसको तो अपन चेंज नहीं करेंगे, सीधा सीधा फ्लक्स अपन लिख देंगे ई 4π और सरफेस हमारी एक्स है तो एक्स ही रहनी है, तो 4π x2। गॉस का लॉ जब अपन लगाएंगे तो यूजिंग गॉस लॉ या गॉस के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो भी आप बोलना चाहें, इस बार आ जाएगा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्यू डैश की वैल्यू क्यू एक्स क्यूब आर क्यूब और ये एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि हम क्यू डैश क्यों ले रहे हैं तो वापस समझिए, हम जिस सरफेस से संबंधित फ्लक्स का मान निकालना चाहते हैं वो सरफेस बहुत कम चार्ज को इंक्लोज किए हुए, पूरे के पूरे आवेश में पूरे के पूरे चार्ज को उसने अंदर समाहित नहीं किया है, उसने बहुत कम से पार्ट को किया, उसको अपने क्यू डैश नाम दिया है, मुझे नहीं पता क्या था, तो मैंने बोला भाई अंदर की तरफ और इस पूरे गोले के लिए चार्ज डेंसिटी सेम थी, तो मैंने दोनों को क्या करके कंपेयर करके क्यू डैश की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमारा जो गॉस का लॉ है वो सिर्फ गॉसियन सरफेस पे लग सकता है, तो गॉसियन सरफेस तो अंदर वाली है ना, गॉसियन सतह अंदर वाली है, उससे संबंधित क्यू कितना, जो चार्ज है जो आवेश है वो कितना है क्यू डैश, इसलिए अपन ने क्यू डैश रखा। बस ये फ्लक्स की जो हमारी ये फ्लक्स की इक्वल है गॉस के लॉ के अकॉर्डिंग, फ्लक्स की इक्वल है, जब फ्लक्स की इक्वल है तो इसके अंदर रख दीजिए, तो आ जाएगा क्यू एक्स क्यूब आर क्यूब या आर क्यूब इस एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू ई 4π x2। बस यहाँ से ई की वैल्यू अपन को निकालनी है। ठीक है, तो मैं रब करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो उसके बाद हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी, देखिए क्यू एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट और 4π r³ नीचे 4π x² नीचे आ जाएगा। ठीक है, q की वैल्यू अपन ने कितनी पढ़ी थी, रो इंटू 4/3π r³। अभी अपन ने यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे यूज़ भी किया q इंटू रो अपॉन 3π r³, तो लिख देते हैं रो और 4/3π r³ x³ और ये हो गया r³ एप्सिलॉन नॉट 4π r², तो आपका r³ से r³ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और ये हमारा 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, x³ से x² कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे x बचा। सो बेसिकली ई की वैल्यू हमारे पास आ गई रो और यहाँ पे बच रहा है x, नीचे बच रहा है हमारे पास 3 epsilon naught, दिस इज द वैल्यू ऑफ। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में ई वेक्टर इज इक्वल्स टू रो x x कैप अपॉन 3 epsilon naught। ठीक है, सो ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। यहाँ से अपन को दिख रहा है ई किसके डायरेक्टली पोर्शनल है एक्स के, ई किसके डायरेक्टली पोर्शनल है एक्स के, तो मुझे इस पार्ट को रब करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूँ मैं ताकि अपन इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सके। तो यहाँ से हमारे को पता पड़ा ई इज डायरेक्टली पोर्शनल टू किसके हो गया एक्स के, जब ई डायरेक्टली पोर्शनल टू एक्स के तो ग्राफ कैसा बनेगा स्ट्रेट लाइन। सो तीन चीज़ें हमें पता पड़ गई, अगर अंदर के बारे में बात करूँ तो ग्राफ इस तरीके का बन रहा है और सरफेस पे कांस्टेंट है और बाहर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो तीनों का कंबाइंड ग्राफ बना देते हैं इसका। तो वही तीन पॉइंट हो गए हमारे पास, ये सेपरेशन है, यहाँ पे x इक्वल्स टू r है, x इज लेस देन r है और ये x इज ग्रेटर देन r है। जब x जो r से छोटा है तो e कैसा हो रहा है स्ट्रेट, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो ग्राफ कैसे बनेगा स्ट्रेट लाइन। लास्ट टाइम हमारे पास जीरो आ रहा था क्योंकि अंदर कोई चार्ज था ही नहीं, सरफेस पे कांस्टेंट हो गया, वो कांस्टेंट किस किसके इक्वल है खुद वो लिखा हमारे पास रो आर अपॉन 3 epsilon naught, रो आर अपॉन 3 epsilon naught और इसके बाद एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो मेन ग्राफ सिर्फ इतना ही है। सो दिस इज आर कंबाइंड ग्राफ जो कि कभी कभी एग्जाम में 1 marks में पूछ लिया जाता है। इसमें मेन जो पार्ट है थर्ड वाला है, इसमें अपन को यही समझना है कि क्यू डैश अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्यू डैश कैलकुलेट करते ही क्यों है। ठीक है, तो आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।